would never neglect and abuse your children. Make horrible demands of your children. You would never ask. क्या आपने देखा इन एक्टर महोदय ने किस तरह से आपको एक डायलॉग में बांध दिया? डू यू रियली थिंक एक इतने छोटे से सीन में ही आपने बहुत कुछ महसूस किया? आखिरकार हुआ कैसे ये चमत्कार, हुआ कैसे ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आज सीन के पोस्टमार्टम एंड लर्न एक्टिंग के टिप्स में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आखिरकार एक एक्टर जब भी एक्टिंग करता है तो वो कैसे किसी भी सीन में आपको बांध लेता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने एक्टिंग देखी उन्होंने क्या किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक बार सीन खोल लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं खुद देखता हूँ आपके सामने। राइट, सो ये एक सीन है। म्यूजिक, एक्सप्रेशंस, आईज, the dialogue slowly is speaking, the movement of physically। आपने देखा कि जब ये बोल रहे थे तो इन्होंने सच्चाई बयां करने की कोशिश की। जो उनको डायलॉग दिया गया था एग्जैक्टली उन्होंने उस डायलॉग में रियल में किस तरीके से हो सकता था वो चीज़, कैसे मेरे साथ अगर वो घटना घटती तो मैं उसको कैसे बयां करता या फिर कैसे करता, हूबहू उन्होंने वही चीज़ इस डायलॉग में बोला है और सेम एक्सप्रेशन दिए हैं। मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसे कर सकता था और मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ऑलराइट। अब इसमें जो मैंने बोला, अब इसमें क्या कमी है? म्यूजिक नहीं है। सो म्यूज़िक क्रिएट फीलिंग्स, इमोशंस। तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए कि आप अगर इमोशनल होना चाहते हो, आप वाकई में एक बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, तो म्यूज़िक की भी आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए और म्यूज़िक आपके सीन में जान डाल सकता है। और इमोशंस, एक्सप्रेशंस, इन्होंने जो एक्सप्रेशन पे विशेष तौर पर ध्यान दिया वो आपने शायद नोटिस नहीं किया। एक्सप्रेशन देखिए आप कितने नेचुरल, और ऐसा लग रहा है कि ही इज़ रियली गोइंग टू बी क्राई, बहुत जल्दी ही बस रोने वाले हैं। और वाकई में उनके चेहरे में वो टेंशन दिखाई दे रही है, भले ही हमें वो डायलॉग समझ में नहीं आ रहा, बट वी आर कनेक्टिंग हिम विद एक्सप्रेशंस। जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, इस एक्सप्रेशंस के थ्रू हम इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कभी भी डायलॉग बोलें तो एक बार हमेशा पहले ये देखें कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप इस डायलॉग को कैसे बोलते। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले समय में आपके सामने मैं इसी तरह के सीन पोस्टमार्टम के एपिसोड सीरीज़ में इसी तरह की वीडियोज़ लेने आने वाला हूँ। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह के पोस्टमार्टम सीन्स ज़रूर लेकर आऊँगा। जय हिंद।